fellowship with demons and relatives. I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे 24 तारीख, आज शो है। हम अभी अभी तैयार हुए हैं, घर से आए हैं, कॉर्ड के पास पानी खानी चेक कर रहे हैं, गाड़ी का मोबाइल शुबलाइट चेक कर रहे हैं और निकलने ही कर रहे हैं। सारे बॉयज रेडी हैं, ये देख लें गाड़ी माशाल्लाह से बहुत गंदी है फिलहाल। जाते हैं, इसको पहले वॉश करते हैं। मोहित को कहा है, वो आएगा नेशनल कार वॉश, तो उस तक पहुँचते हैं, गाड़ी निकालते हैं, फिर आप लोगों से रिसीव करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कार्ड निकाल लिए आफ्टर सो मैनी डेज और इसको ले जा रहे हैं आज शो पे। गाड़ी माशाल्लाह से टायर वो वाला फिट हो गया और टायर बड़ा ही आउट क्लास लग रहा है। अब लगता रहे जाके इसकी हवा दोबारा चेक कराते हैं। दुआ करें खैर खैरियत से। खैर जब आप ब्लॉग देखेंगे तब तो कहाँ ही दुआ होगी। इंशाल्लाह अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये खैर खैरियत से पम तक पहुँच जाए। एक और प्राणी को हमने पिक कर लिया, माधवान है करो। ये आपको याद होंगे कि हमारे सेंटर वाले भाई हैं, अब बड़े खुश हैं, गाड़ी इनकी ठीक हो गई थी। रेस भी जो रात में थी वो भी ठीक गए। आए इधर पेट्रोल पंप, होप सो रेस गाड़ी इधर लाए हो, क्योंकि हम वहां को पिक करने गए थे, वो इधर ही लाए। आउट क्लास। कैसा लग रहा है ट्रैफिक वाले से भाग के? अल्लाह माफ करे, हम वायलेशन नहीं रिकॉर्ड करते व्लॉग में। हमारी फ्रंट प्लेट पे बड़े लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। महादेव इधर आओ, बताइए क्या लिखा है। बताइए क्या लिखा है? क्या बोले? दिलावरा। ये दिलावरा हमने लिखवाया, हर बंदे को दिलावरा लिख लग रहा है। बोला तोड़ता हूँ अब। फेलोशिप विद देम इज देयर रिलेटिव्स, आई एम अ स्टार, लाइफ इज वन फनी मदरफकर, ए ट्रू कॉमेडियन। ये हमारी वन एंड ओनली लोकेशन, द वन एंड ओनली नेशनल कार वॉश, अकॉर्ड लेके खूबसूरती फेंक रही है गाड़ी एज ऑलवेज। क्यों भाई, कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह तो जा रहा है बिल्कुल। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जी मोहित साहब ने भी एंट्री मार ली है। ओए होए होए होए, ले आओ ले आओ ले आओ। हेलो करो भाई। भाई गाड़ियां दोनों बहुत ज्यादा गंदी है लिटरली। मैं कहता हूँ अगर इस हालत में ले गए वो अंदर भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों इतनी गंदी हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारा डुओ वंस अगेन बराबर हो गया, थोड़ा सा पार्ट हो गए, पीछे रश बड़ी ज्यादा है। दोनों गाड़ियाँ वैसी की वैसी ही खड़ी हैं, शो कर रहे ऑलरेडी लेट हैं, टाइम हो गया 12 बज गए हैं। उधर हसीब भाई हमारा वेट कर रहे हैं के वाले, तो लाला लग्जर का यार ना वक्त ही हो। हाँ जी बस उन्होंने कहा हमारा नंबर आने वाला है, गाड़ी दोनों खड़ी करते हैं साथ, उनको फेंकते ही नीचे चढ़ के ये ऊपर जाएंगी तो ये कॉल ओवर फ्री हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप में से किसी ने भी गाड़ी ड्रॉप करनी हो ना, जिनको पता ना हो, कार वॉश ऊपर जाए उसकी सस्पेंशन फ्री हो जाती है डायरेक्ट। आप जल्दी जल्दी रिंग मोड़े, आप गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये दोनों शहजादियाँ माशाल्लाह से चमक रही हैं, नो डाउट, बहुत 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 प्यारी लग रही हैं दोनों। नज़र से बचाए अल्लाह इनको, निकल रहे हैं, सब साफ सफाई हो गई है, जाते हैं शो की तरफ। हसीब भाई भी वेट कर रहे हैं, बड़ी देर हो गई है उनको डराया हुआ, जाते हैं निकल रहे हैं, सारे काम शाम हो गए हैं, निकलते हैं आपके साथ बताते हैं। समझ गया, पीठ निकल गए, हम भी माशाल्लाह से गाड़ी के अंदर हो गए और अब निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता शो की तरफ। गाड़ी हमारी आ गई टोटल शॉक डंडे पे खड़ी हुई है, स्प्रिंग उसका फ्री हुआ है और मुझे पता है कि बहुत ख़राब पंपिंग होने वाली है। वैसे भाई एक्साइटेड है आप शो के लिए? और ये देखें जी फ्रेश सामने अभी अभी पानी का कतरा आ गया, जब भी गाड़ी सुखाई हुई थी। ओह अब मेरे दिल जिगरे हार को चिल्लने वाला है, आप लोग देख सकते होंगे की फिटमेंट। ओए होए हमारी गाड़ी, ओए माय गॉड, फुल वैशी माशाल्लाह, इसको नजर ना लगे फुल घुसी हुई है। नो डाउट यार आज शो में इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। ईएफ में कोई मसला आ गया, मोहित भाई के लगता है टायर बहुत ज्यादा लग गए हैं। हम रुके हैं साइड पे, देखते हैं उसको क्या मसला हुआ है क्या नहीं हुआ, अब चेक करते हैं। मोहित भाई का टायर बहुत ज्यादा लग रहा है इस तरफ, ये बहुत ज्यादा ही ड्रॉप हो गई है, ये देखें बिल्कुल इसमें बढ़ चुकी है। तो मोहित ये इससे पहले कि ये गाड़ी ये टायर फाड़ दे, इसको जैक डाल रहे और इसका जरा सा कॉइल ओवर ऊपर करते हैं और देखते हैं। होप सो इंशाल्लाह खैरियत रखे अल्लाह। 1000 years later ये हम शो के अंदर एंटर हो गए हैं। शो के एंटर करते वक्त जरा माहौल बड़ा गड़बड़ था, व्लॉग कर नहीं सके, फोन मेरी जेब में ही था, लेकिन आप फाइनली एंटर हो गए। एक एक करके आपको हर गाड़ी का गेड़ा कराते हैं, बताते कौन कौन सी गाड़ी आई है कौन कौन सी नहीं आई, तो जरा बॉयज़ बराबर हो जाएं क्योंकि एंट्री का मसला बना हुआ था। फिर बताते रिकॉर्ड हमने खड़ी कर दी है। एक थोड़ा सा हमारा बिग लॉस हुआ है, वो ये हुआ है कि इसके ऊपर एक फ्लैग था, फ्लैग हुआ करता था, वो इधर से गिर गया। क्यों भाई? बिल्कुल बड़े हम खफे हैं,
साथ यहाँ बड़ा अच्छा लाइनअप खड़ा है, कोई अकॉर्ड खड़ी है, साथ में बीएम खड़ी है। ये मुझे लगता है वे डीजल की कबर से निकाल के लाए ये गाड़ी। साथ ये मेरे ख्याल ये मर्दान की गाड़ी है, ये थोड़ी देर पहले आई है शो पे। दो मजदा रिक्सेट, साथ तीसरी भी, साथ चौथी भी बड़ी ज्यादा। ये LS 400, जिन बॉयज ने ट्रैक वाला व्लॉग देखे है लास्ट, हाँ उनको याद होगी। साथ एक टर्किश स्टाइल बिमर गाड़ियाँ तो यहाँ अच्छी आई है खैर से। बेंस माय फेवरेट, साथ में ऑडी शोडी है। इस तरफ आए तो डोमिनेटर्स का लाइनअप खड़ा हुआ है। 2000 हुंडा भाई, लगता है बिल्कुल ही गाड़ी से तंग है। वो देखो किटे मिटे सारी तोड़ी हुई है इसने, वो देख एक तरफ टिकट लगी एक तरफ नहीं लगी। कई बड़ा हैवी मामला करके लाए हैं, लगता है गाड़ी से तंग है। हमारी गाड़ी ये खड़ी है बैक, खूबसूरत वैरायटी लगाई है हमने। स्टार्स चेक करें, फिटमेंट बड़ी खूबसूरत है। साथ 3 मार्केक्स खूबसूरत, बड़े बड़े दिल खोल के बैठी है। साथ में खूबसूरत हमारे मतलब का लाइनअप, एक अदद हसीब्स इके विद हसीब्स स्टैंडिंग राइट देयर टॉकिंग विद फ्रेंड्स। मुझे बताएं कमेंट्स में कि इस गाड़ी का किस किस बंदे को रिव्यू चाहिए, इसके इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल करेंगे। ये बंदे जिसको मैं एक हफ्ते से कह रहा हूँ रिव्यू का, ये मुझे गोलियां करा रहे, कभी पेपर्स होते हैं, कभी लैपटॉप की तस्वीरें भेज रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें भेज। अभी रिव्यू करें? नहीं नहीं, इसका प्रॉपर घर में करेंगे, अभी ये जगह नहीं है रिव्यू की। आगे पलटे, ये एक बेचारी प्रीमियो है। ये भाई मेरे कॉलेज के, एडवर्ड्स कॉलेज के, ये आए हैं, बड़ी खमार एंट्री मारी है, तो जज्बात में आए हैं। और आते साथ इन्होंने गाड़ी का गियर शेयर हर चीज नीचे मार दिए। गहराई लीक हुआ है चैम्बर? कुछ भी लीक नहीं हुआ, कुछ भी लीक नहीं हुआ सर, कूलेंट देख। अच्छा कूलेंट है भाई, खैरियत हो गई है? खैरियत है, शुक्र अल्लाह ने खैर की है। बड़ी प्यारी प्रीमियर 16S पे इन्होंने खूबसूरत आगे पीछे टक एंड फिटमेंट की हुई है। सोल दी ग्रेट, सोल दी ग्रेट। ओ यार प्लेट दिखाओ, फ्रेश 500 रुपए की प्लेट फॉर यू। एक और मजदार सेट इख्तियार उस्ताद आई के ऑटो, उनकी गाड़ी है। अबे जल्दी बोल, कम्युनिटर्स वालों की खूबसूरत स्विफ्ट गाड़ी है। साथ ये मेरे ख्याल इनका नाम हमजा है, खूबसूरत जीटी है। पहले इसको सुबारू का बम्पर लगा था, अब इसको याकूजा डाल दिया। साथ में खूबसूरत वर्क्स के रिम, ऊपर 165/55 है, हाँ 165/55 की प्रोफाइल है। खूबसूरत इंडस, ये मेरी फेवरेट है। साथ इनकी एक और गाड़ी बलिनो, इसके पीछे क्लियर डेल्स बहुत प्यारी लग रही है। साथ एक प्रियस, इसको काकरोच कहते हैं ना, इसको हम देसी जबान में काकरोच प्रियस कहते हैं। ठीक हो गया। होंडा का लाइनअप, व्हाइट ई के हैच, साथ में रेड ई के हैच शहीर भाई की, साथ एक ब्लैक कलर की सिविक सेडान, साथ एक ब्लैक VTI ओरियल, खूबसूरत फिटमेंट के साथ 16S पे मैं कहता हूँ इन्होंने गाड़ी बिछाई हुई है। साथ एक और भाई है हमारे वर्सक रोड पे रहते हैं, गाड़ी मैंने देखी हुई है, काफ़ी खूबसूरत T37 इसको लगे हुए, 165/55 ही है, हाँ 165/55 की प्रोफाइल है। ये देखें खूबसूरत फिटमेंट, इस तरह की गाड़ियाँ ना मुझे बड़ी ज्यादा पसंद है। जली ना तेरी भी जली ना। अबे थोड़ी और गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी मोस्टली चली गई हैं। लेकिन ये X81 है ना, कोड क्या है इसका, जो भी कोड है यार, हाँ 81 है मेरे ख्याल है। ये देखे माशाल्लाह से, ये पहले हसीब भाई के पास होती थी, सैयद हसीब, फिर आदम नाम का लड़का उसने लिए। T37 कनकेव लगे हैं इसको 17 नंबर में, ऊपर 245/40 की प्रोफाइल लगी है। बैक से खूबसूरत फिटमेंट इसकी थी लेकिन अब नहीं रही। साथ एक खूबसूरत 86 खड़ी है, प्यारा सा, तुम हटो यार, प्यारा सा इसको रिम लगे और लो प्रोफाइल है, 165/40 दिखा रहा, ये 165/45 की प्रोफाइल लगी है, खूबसूरत गाड़ी है। ये आगे एक जापानी प्लेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टांस गाड़ियों के लिए, पीछे प्यारा सा एग्जॉस्ट और एक वे स्टिकर देख यार, ये कोई नया स्टिकर है नहीं? अच्छा ये सिकंदर जमान भाई की बेंज है और खूबसूरत 3SDM इसको लगे, ये वही रेम है ख्याल से उसमें लगे हुए थे ईशान की एक्वा में। नहीं नहीं ये वो हबीबियन की गाड़ी, हबीबियन की गाड़ी में रेम लगे थे। इसको प्रोफाइल खैर बड़ी लगी है लेकिन यार ये बहुत लग्जरी स्टांस भाई ने खड़ा किया है, उसमें तो लो प्रोफाइल थे लेकिन ये तो थोड़ा लेकिन अच्छा लग रहा है फॉर बेंज, इट इज रियली गुड। एक खूबसूरत कार्डिलैक खड़ी है, इसका नाम है कार्डिलैक फ्लीटवुड इसको कहते हैं, और पता नहीं गाड़ी तो नहीं है, मुझे लगता है कश्ती है, कश्ती को रिम टायर लगाए हुए। ये देखें फुल ओल्ड स्कूल, ये वो निगास वाली गाड़ी है
बोलो राइडर जो जंप ही नहीं मार रही थी जीटी सेंट्रियास में वीकेंड से। ये जब मैं पहले मेरे कॉलेज की बाहर खड़ी होती थी तो इसमें डैशबोर्ड मैशबोर्ड नहीं था, अब डाल दिए। साथ एक वेस्पा क्लासिक क्लासिक। बहुत सारी गाड़ी हमने यहाँ पे कवर की हैं। कोरम भाई पीछे मुझे लगता है ड्रिफ्ट के इरादे में उन्होंने मुझे कहा गाड़ी साइड पे करो, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं क्यों करूँ। कोरम भाई निकले हैं शायद से ड्रिफ्ट के लिए और उन्होंने कोई साथ स्पेशल किसी की फरमाइश थी कि हमारे लिए ड्रिफ्ट करो, वो लेके निकले हैं बाहर गाड़ी और ये चेक करें हैवी सीन होने वाले, देखते हैं अल्लाह खैर करे। कोरम भाई की गाड़ी ने थोड़ी सी शायद आग पकड़ ली है और अब तक मेरे ख्याल ये बुझ चुकी है। फायर ब्रिगेड वाले आए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाड़ियों में एक्सटिंग्विशर था, लोगों ने हमसे हेल्प की। आपको क्या मसला है यार, आपको क्या मसला है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो देखते हैं आगे शो में मजीद क्या है क्या नहीं है, आपके साथ अपडेट करते हैं। गाड़ी अब फ्रेश शावर ले रही है बहुत बड़े हादसे के बाद अब ये गुजर रही है फाइनली। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रिगेड वालों का ठीक इस्तेमाल हो रहा है। ये भाई यहाँ पे पानी डाल रहे ड्रिफ्टर्स के लिए, ये थोड़ा पानी लगे ग्रिप गाड़ियाँ जरा घूमे साथ ये पावर। उसकी फायर ब्रिगेड भाई ने इसको पूरा धो दिया, इसको फ्रेश वॉश करा है। अब आए भाई लोग बड़े ज़्यादा हैं। ये भाई ने पीछे 88 करोला वाले भाई हैं 88 और 82। बड़ी भाई ने कोशिश की है ड्रिफ्ट करने की, हो नहीं पाई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गई है। एक और गाड़ी बड़ा खूबसूरत दो खड़ा है, ये नुमान भाई की है और ये उस्मान भाई की है। ये उस्मान भी व्लॉग में पिक करे, हाय करो। हेलो। इनसे एक मेरा गिला, इन्होंने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था। तुम मेरी शादी में बचे थे। बच्चा कितना बच्चा था। उन्होंने मुझे बड़े नुकसान दिए, एक शादी पे नहीं बुलाया, फिर उन्होंने एक बार ड्रिफ्ट की थी मेरी ये पे दरवाजे पे स्क्रैचेस लगे थे, उसका नुकसान उसकी तो आप बात ही नहीं करते ना। ये दरवाजे मेहरान की शादी पे वो खड़ी है, वो खड़ी है, नुकसान की बात करो। ओनर चले ठीक है, छोटा मोटा नुकसान है माफ कर देते हैं। बहुत पैसा है मेरे पास। खूबसूरत कीजिए आई है नासिर भाई, इसको लाए प्यारा सा इनका ही लगा हुआ इसको 15 नंबर का, साथ में इसको प्रोफाइल लगी है 195/50/15। बहुत ही खूबसूरत कीजिए है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। साथ में कीजिए हैचबैक खड़ी है, ये हाशिम अब्बास जो है मेरे दोस्त उनका एक आगे दोस्त है। बेसिक्स में मेरे खाली रहते मेरी गाड़ी अक्सर बेसिक्स में देखी है। सिर्फ मुझे जो खूबसूरत है वो हैचबैक लगी है दो, ये दो हैचबैक बहुत इंग्लिश गाड़ी है, मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है ये तो, इंशाल्लाह लेंगे हैचबैक जरूर इंशाल्लाह। ये देखें हम बहुत ज़्यादा स्लो चलाना हो गया, लोगों ने शुरू कर दिए हैं। ये देखें नॉकिंग वगैरह स्पीड स्टेप यहाँ पे शुरू हो गई है, बड़ा बुरा सीन आए थे तरीके से ब्लॉग में आए करें। तो हमारी एक और बड़ी नाजुक जगह पे खड़ी है, यहाँ पे लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये एक और खड़ी है, आगे बड़े लोग खड़े हैं, उम्मीद है कि कुछ तोड़ा ना हो लोगों ने। साथ एक माजदा खड़ी है, बड़ी पुरानी माजदा है जलाल भाई की, पिशावर में ही घूमती रहती है। सूरत इसकी फिटमेंट वाटर नब इसको लगे हुए मेरे ख्याल 165/55 ही इसको लगा होगा। जी बिल्कुल 165/55 इसको लगा हुआ है, खूबसूरत तो स्ट्रेच है इसका। गाड़ी के लुक देखें तो खूबसूरत लुक और हमारी गाड़ी साथ और भी खूबसूरत लग रही है। मान भाई ने मुझे अब तक फोन दिए, इसने कहे मेरी गाड़ी के सिनेमेटिक्स बनाओ और मैं सबूत रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुझे KFC खिलाएंगे इसके बाद। खिलाएंगे बोलो व्लॉग में KFC नहीं 150 वाला शोरमा खिलाऊंगा। चलो खैर खुदे चलो बनाते हैं इसकी सिनेमेटिक्स, इसका लिंक भी डालूंगा स्टोरी पे, देखना आप सब। भाई गाड़ी के अंदर हुए हैं, गाड़ी हम फाइनली साइड पे करने लगे, इस तरह ले जा वही तो इस तरह ले जा रिवर्स कर ली, फिर इसको इधर लगाते हैं, ये साइड पे कर रहे हैं इसको इसके साथ लगा रहे हैं क्योंकि मामला खराब हो गए और ये इधर इसको इसकी जगह यहाँ कर रहे हैं। ओ इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। गाड़ी को हमने न्यू लोकेशन पे डाल दिया, वहाँ जानवरों से बचकर इसको हमने एक अच्छी जगह पे खड़ा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी गाड़ी सेफ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, तो चलें अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। गाड़ी अब शुक्र है शो में ज़रा शोर शराबा कम हुआ है, गाड़ियाँ मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखा दी है, कोई गाड़ी बची नहीं है और जो भी
था तो ये एक और गाइड ड्राइवर ने बोला कि ये कौन है आपकी भाई, आप जा रहे हो? जा रहा हूँ भाई, भाई 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 थोड़ी अगर मुझे 81 दिखाओ 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 ओए ओए मिरेकल मिरेकल बहुत आला यार, बहुत आला जुगाड़ है भाई, बहुत आला जा रहे चलें ख्याल से जाएं, अल्लाह हाफिज। हम भी देखते हैं थोड़ी देर तक निकलते हैं, इंटरफेस शिफ्ट है तो यहाँ बॉयज ने मार लिया, हालात बहुत खराब हो गए। गाड़ी हमारी खड़ी है साइड पे, वो एफ खड़ी है लोगों में घेरी हुई, तो देखते हैं थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं। मोहित क्या करें, निकले निकलते हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं रोड बिक रहा हूँ यार, इधर एग्जिट पे खड़े हो, मैं आता हूँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ओके निकलते हैं, सीप बाइक सारे रोलिंग शॉट्स बनाते हैं, तो लगता है अब हमारे जाने का समय आ गया, टाइम टू टेक ऑफ। शेरा चलो चलो शेरा चले चलो शेरा चले चलो निकाल रहे हैं रिकॉर्ड, निकलते हैं बाहर, सीप बाइक वेट कर रहे हैं, जाते हैं थोड़ी गाड़ी के रोलिंग शॉट्स देते हैं मजेदार से। Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him. You gotta trust him, I might be bugging. Infomercials and no sleep, introverted by my thoughts. Shows you listening is deep. See once upon a time inside the niggas and garden projects. The object was the process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable, gun violence cracks by federal policies. Rape builders and drug professionals. Anthony West, the oldest of seven. Well respected, calm and collected. वीडियोस वगैरह बना लिए हैं सिनेमैटिक्स, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। एकॉर्ड का एक टायर मस्ता कर रहा था, वही टायर जिसका आपको पता है एक ही टायर ने हमारी ज़िंदगी अजाब की हुई है वो बदल दिया, गाड़ी को डाल दिया स्टेपनी और अब जाते हैं घरों की तरफ और देखते हैं कोई सीन मीन हो। मुझे नहीं लगता बस ब्लॉग घर जाके एंड कर दूँ, तो आप टच में।